लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सावधान, लंकेश्वर रावण और युवराज मेघनाथ राजकला में पधार रहे हैं। राक्षस वीरों, अब हमारे शत्रुओं को समाप्त होने में अधिक समय नहीं रह गया है। पाताल लोक से आए महाअसुर धूम्राक्ष और वज्रश्न ने हमें विश्वास दिलाया है कि वे राम और उसकी वानर सेना को कुचल कर रख देंगे। हाँ पिताश्री, धूम्राक्ष और वज्रदंश की अपार शक्ति के सामने वानर सेना के हनुमान, सुग्रीव और अंगद बौने सिद्ध होंगे और वे दो वनवासी राम लक्ष्मण उन्हें देखते ही भय से प्राण त्याग देंगे। आज मेरी जय जयकार नहीं, धूम्राक्ष और वज्रश की जय जयकार बोलिए, बोलिए धूम्राक्ष और वज्रश की, धूम्राक्ष और वज्रश की। लंकेश्वर की जय। युद्ध भूमि से विजय का समाचार लेकर आए हो प्रहस्त। हमारे श्रेष्ठ असुर धूम्राक्ष और वज्रश ने अब तक हमारे शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया होगा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं अपराध? हमारे महान शक्तिशाली असुर अतिथि धूम्राक्ष और वज्रश हनुमान और अंगद के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। धूम्राक्ष और वज्रश मारे गए। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे सामने सत्य बोलने वाला हमारे हाथों प्राण दंड का भागी होता है? और ये असत्य ही नहीं, असंभव है। बहुत वीरता के साथ लड़े, परंतु हनुमान और अंगद के गदा प्रहार के सामने वो टिक नहीं सके। चुप रहो। अकंपन प्रकट हो, अकंपन प्रकट हो, अकंपन प्रकट हो। आप जय लंकेश्वर। अकंपन, शत्रुओं ने हमारे दो महासूर धूम्राक्ष और वज्रश को समाप्त कर दिया है। मेरे साथियों को मारने वालों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसी समय युद्ध में जाना होगा। रुक जाओ अकंपन, हम भी तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में जाएंगे और स्वयं अपने हाथों से उन दुष्टों के प्राण हरण करेंगे। पिताश्री, इस बार हमें चतुराई से काम लेना होगा। उत्तेजना में आकर असुरराज अकंपन के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, किंतु मैं अपने साथियों की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। वीर अकंपन, हम जानते हैं तुम्हारे पास अनेक मायावी शक्ति है, परंतु हमारे मायासुर धूम्राक्ष और वज्रश ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया ये हम भी नहीं जानते, परंतु हनुमान और अंगद को समाप्त करने के लिए शस्त्र शक्ति से अधिक मायावी युद्ध सफल होगा। हाँ असुरराज, आपको अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके वानर शिविर में प्रवेश करना होगा। हनुमान और अंगद को अकेला पाकर चुपचाप उन्हें समाप्त करना होगा। यदि तुम कहो तो हम अपने मायावी राक्षसों को तुम्हारे साथ भेज सकते हैं। नहीं, हम अकेले जाएंगे और मायावी युद्ध से उन दुष्टों को समाप्त कर देंगे।
युवराज, धूम्राक्ष और वज्रध्वंस्ट के मारे जाने से राक्षस शिविर में आतंक छा गया। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन है तू मायावी राक्षस? मैं अकंपन हूँ, अपने शत्रु को हार के एक ही कंपन से समाप्त कर देता हूँ। हमारा नाम सुनते ही शत्रु भय से थर थर कांपने लगता है। दुष्ट वानरों, अब तुम मेरे हाथों से यमलोक पहुंचोगे। बचने के लिए अपनी पवन शक्ति का प्रयोग करो। अपनी पवन शक्ति का प्रयोग करो हनुमान, अपनी पवन शक्ति का प्रयोग करो। हनुमान! जय श्री राम। भ्राता लक्ष्मी, आज मैं समझा
प्रभु श्री राम की तरह मैं आपका भी प्रिय हूं। आप धन्य हैं भ्राता, आप धन्य हैं। जय श्री राम।